चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना मैंने 1993 में की, तब से आज तक लगभग 3 decades कंप्लीट होने को हैं। इसमें हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स के संपर्क बने डायरेक्ट और सोशल मीडिया या आप कहिए पब्लिक लेक्चर के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन विभिन्न सेवाओं में हो चुका है और इसके दरमियान बहुत सारी केस स्टडीज़ का मौका मिला, स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुनने का मौका मिला, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और उनके साथ उनकी मदद करने के लिए हमने अपनी कोशिश करी। इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक केस स्टडी मैं आज सुनाता हूँ आपको। एक बार एक कैंडिडेट, एक जनरल कैंडिडेट था, 6 attempts उसके पास टोटल थे। अपने 5 attempts में वो अलग अलग स्टेज पर फेल हो चुका था। कभी उसके प्री नहीं हुए तो कभी मेंस नहीं हुए और कभी इंटरव्यू नहीं हुए और वो बहुत ही हताश होकर मुझसे एक बार मिलने आया अपने फाइनल अटेम्प्ट जो 6th attempt बचा हुआ था उससे पहले। बहुत ही उदास था, बहुत ही थका हारा हुआ था। उसने कहा कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ लेकिन मैं अब थक गया हूँ और लोग मेरे मजाक बना रहे हैं कि जब 5 attempts में नहीं हुआ तो अब 6th attempt में तुमसे क्या होगा, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे मजाक बनाने वाले कौन हो। नहीं सर लोगों का कहना है। मैंने कि ये लोग कौन है, क्या महत्व रखते हैं तुम्हारे जीवन में, ये इम्पॉर्टेंट है। तुमको नहीं लगता कि जो लोग कह रहे हैं तुम नहीं कर सकते, एक्चुअली वो अपनी बात कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो कर सकता है वो कभी नहीं कहेगा कि तुम नहीं कर सकते। हर इंसान अपने दिमाग से अपनी एबिलिटी के हिसाब से बात करता है। बोले नहीं सर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं कॉर्पोरेट्स में चले गए, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बड़ा ही शानदार जीवन जी रहे हैं, वो मेरा मजाक बनाते हैं और साथ साथ में रिश्तेदार हैं, कुछ और लोग भी हैं, सब कहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप की बहुत बड़ी कल्पना थी शुरू से, आज भी उनका इनकरेजमेंट मेरे साथ है और मुझे भी लगता है शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत गिरा हुआ है कि सर जब 5वें अटेम्प्ट नहीं हुआ तो ये तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट अब कैसे होगा। मैंने कहा बैठो ध्यान से मेरी बात को सुनो, तुम्हारी असफलता की कहानी में ही सफलता के राज छुपे हुए। तुम जानते हो ना कहते हैं फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, कभी इस पर चिंतन किया तुमने या सिर्फ ये कहानी किससे भी सुनते रह गए। बोला सर ये तो लगातार सुनते लेकिन कभी गहराई से मैंने इस पर विचार नहीं किया। मैंने कहा चलो मैं तुमको सबसे पहले थॉमस एडिसन की कहानी बताता हूँ। तुमको मालूम है जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहा था तो 999 times वो फेल हो गया। एक जर्नलिस्ट ने उसका मजाक बनाया और इंटरव्यू में बोला थॉमस यू हैव फेल्ड 999 times, हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सक्सीड इन मेकिंग इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। पता है थॉमस एडिसन ने क्या कहा, माय यंग फ्रेंड यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने सीखा कि 999 तरीके से कैसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अब वो सारी चीज को मैं रूल आउट करते हुए मैं अपने 1000th attempt में वो सारी जो एक्सपीरियंसेस को लगाऊंगा एंड आई विल सक्सीड। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, अपने 1000th attempt में वो फाइनली सक्सीड कर गया बल्ब बनाने में, जो आज पूरी मानव सभ्यता के लिए कितनी बड़ी देन है। तो इंसान कैसे अपनी फेलियर्स को लेता है ये इंपॉर्टेंट है। आपको भी उसी प्रकार से लाइक थॉमस एडिसन अपने 5 attempt में से ढूंढना है कि वो क्या क्या गलतियां रह गई जो नहीं करना है आपको और वो क्या चीज आपको करना है जिससे कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थॉमस एडिसन जैसा वो बल्ब का आविष्कार कर सकता है, आप भी आईएएस बन सकते हैं। बोला सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मन बहुत गिरा हुआ सर, कैसे करें, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराया हुआ। मैंने कहा चलो आगे आपको मैं कविता के माध्यम से आपको समझाता हूं। आपने कविता की टाइटल है लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्या ये कविता आपने कभी सुनी है, कभी पढ़ी है। बोला सर बिल्कुल सर, इसको तो मैं हमेशा अपनी डायरी में टॉप पर लिख के रखा हुआ, मेरे पर दीवार में भी रखा हुआ है सर, चिपकाया हुआ है मैंने इसको। मैंने कहा लेकिन लगता नहीं है कि तुमने इसको अपने जीवन में उतारा है, यदि ये उतारा होता तो आज ये स्थिति के साथ तुम मेरे पास बैठे नहीं होते, तुम मुझे आकर के उल्टा समझा रहे होते कि सर मैंने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारी है और मैं अगले कोशिश के लिए तैयार हूँ। बोला सर वो कैसे। मैंने कहा चलो लेट्स डिस्कस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे दो पहली पंक्तियां क्या कहती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रिमेंबर वन थिंग, ऑनेस्ट वर्क, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज अनअवॉर्डेड। तुमने जो कुछ भी आजकल तक काम किया है वो बेकार नहीं जाएगा, लेकिन इमोशनल होना, मन में बिठा लेना कि मेरा नहीं हुआ, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैंने बहुत मेहनत की, फिर नहीं हुआ, तो आप ऐसे मामले में अपनी किस्मत को दोष दे सकते हो, आप परिस्थितियों को दोष दे सकते हो, आप यूपीएससी को भी दोष दे सकते हो, किसी भी कर सकते हो, जैसे आमतौर स्टूडेंट करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि आप ये समझेंगे, जिस प्रकार से लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, उसी प्रकार से संघर्ष से डरकर जीवन में कुछ नहीं मिलता। आप जानते हो ना कि जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रह सकता है? समंदर के किनारे। लेकिन क्या जहाज इसके लिए बना है? बिल्कुल नहीं। जहाज की खासियत यही है, उसकी पहचान है कि समंदर में लहरों के खिलाफ तैर सकता है, और उसका नाविक, उसके कैप्टन की विशेषता ये है कि जजमेंट करते हुए वो लहरों में उसको उतार सकता है। आपके जीवन में, सबके जीवन में यही लहरें जो संघर्ष रूपी हमारे जीवन में है, वही सफलता के राज है। याद रखो, जितने ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में आएगा, आपकी ऊंचाई के उतने रास्ते तय होंगे। जिसके जितनी बड़ी मंजिलें, उतने बड़े संघर्ष आपके जीवन में आएंगे। ये संघर्ष जो आपके जीवन में आ रहा है, आपको सिर्फ उसको रियलाइज करना है, अपने आप को प्रेरित रखना है। और इसको समझने के लिए हम इस कविता के पहले स्टेंजा में पहले चलते हैं। देखो कविता के स्टेंजा क्या कहता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कितनी बड़ी प्रेरणा है। देखो, एक चींटी से आप कितनी बड़ी प्रेरणा ले सकते हो। एक छोटी सी चींटी अपने साइज से बड़े दाना लेकर चल पड़ती है दीवारों पर चढ़ने के लिए, कई बार 100-100 बार फिसल जाती है, बट उसको विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी, और यही विश्वास उसके रगों में साहस डालता रहता है। पर देखो वो चींटी कैसे स्ट्रेटजी बदलती है, कभी दाएं से, कभी बाएं से, जब भी फिसलती है फिर उसको रीइन्वेंट करती है, फिर से कोशिश करती है, और इस तरह करते करते अंत तक पहुंच जाती है। मतलब एक छोटी सी चींटी भी अपनी फेलियर से सीखती है, अपने फेलियर्स को पिलर्स बनाना जानती है, और अंत तक पहुंच जाती है। तो आप तो इंसान हो, आपके अंदर तो बुद्धि है, 100 बिलियन सेल्स आपके ब्रेन में, आप कैसे उसको यूज करते हो, प्रोग्राम करते हो, इससे आपका सब कुछ निर्धारित होने वाला है। वो थोड़ा मुस्कुराने लगा, कहा सर आगे की पंक्ति भी समझा दीजिए सर, कि आगे भी क्या हमारे काम की चीजें हैं। मैंने कहा सुनो, दूसरे स्टैंजा क्या कहता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौटाता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जानते हो ना, समंदर में जब गोताखोर जाता है मोती चुनने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि खाली हाथ लौट आता है, बट क्या वो हारता है? नहीं, अपनी स्ट्रेटजी को फिर बदलता है, वो देखता है क्या कमी रहेगी, उसके हिसाब से फिर और उत्साह के साथ डुबकियां लगाता है, और अंततः पूरे मुट्ठी में भरकर मोती चुनता है, और तब उसको शांति मिलती है, तभी उसको संतुष्टि मिलती है। ये उसकी सफलता का राज है। अब आगे सुनो, इस सब का सारांश कहाँ है, जो तुम्हारे जीवन में बिल्कुल सही उतरता है। अंत तक कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। है ना, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल तुम ही पर आधारित है। देखो कविता कितनी इंटरेस्टिंग है। कविता कह रही है कि असफलता एक चुनौती है, मतलब 5 अटेम्प्ट में क्या क्या कमी रह गई वो सब चुनौतियां तुम्हारी। देखो आप अपने पहले अटेम्प्ट में रिक्वालीफाई कर गए, दूसरे में आपका प्री नहीं हुआ, तीसरे में आप मेंस क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू तक चले गए, और चौथे में फिर से आपको मौका मिला, आप मेंस तक गए, इंटरव्यू नहीं हुआ, और 5वें अटेम्प्ट में आपका प्री भी है। इंटरेस्टिंग, बट आप हर एग्जाम में एक स्टेज को क्रॉस कर रहे हो, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया,
सिक्स्थ अटेम्प्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे 999 अटेम्प्ट के बाद भी बल्ब नहीं बना पाए थॉमस एडिसन, आप भी नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, 1000 अटेम्प्ट में तो बना लिया, सिक्स्थ अटेम्प्ट में आप भी क्वालिफाई करके आईएएस बन जाओगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कभी क्या कह रहा है समझो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। अब तीनों स्टेज में क्या क्या कमी रहेगी उसको सुधारो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, मतलब यह है पूरी फोकस्ड होकर तिलो जान से पूरी उत्साह के साथ बिना किसी को सुने हुए कि होगा नहीं होगा, विश्वास करो अपने मन पर, विश्वास से ही जीतोगे, फिर से लगो और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये मन में जो भावना आ रही है, जो तुम्हारे ड्रीम स्टेलर्स हैं, सपनों के चोर हैं आसपास, को दूर कर दो, उनसे मत मिलो, उनसे बातें मत करो, और जिससे बात करो उससे चुनौती लो कि ये सिक्स्थ अटेम्प्ट, जैसे थॉमस एडिसन ने चुनौती ली अपनी 1000th अटेम्प्ट में, उसमें तुम लो और कहो मैं करके दिखाऊंगा। सारी कमी को दूर करते हुए दोबारा लगो, उत्साह साथ लगो, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, तुम जरूर सफल होगे। आपको पता है क्या हुआ, पूरी जोश के साथ उस कविता को उसने कहते जैसे रट लिया, जैसे कोई गीता का पाठ करता हो, सुबह दोपहर शाम उसको करने लग गया। मैंने को कहा कि रोज अपने आप से को आई एम आईएएस, मैं आईएएस बनूंगा नहीं, आई एम एन आईएएस, कीप यू फीलिंग दैट वे, देयर इज अ पावर इन विजुअलाइजेशन, उसको विजुअलाइज करो और इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार करके प्रयास में लग जाओ। बिना कारण के एक्सक्यूजेज मत लो कि यूपीएससी के क्वेश्चन ठीक नहीं था, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, पास पे मुझे हेल्प नहीं मिला, किसी टीचर ने नहीं गाइड किया, सारे एक्सक्यूजेज हटा दो। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ऑल फेलियर्स टिल नाउ। ध्यान रखो फेलियर्स के तेरी जिम्मेवारी अपने दूसरों पर डालना शुरू कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि सारे चीज़ों को समेट कर उसको अनुभव में बदल दिया तो आप सफल होंगे, 100% सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी, अच्छे रैंक से मिलेगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसने उसी अटेम्प्ट को बहुत सीरियस ले लिया और उसका सिलेक्शन हुआ और वो प्रॉपर आईएएस बना और आज उच्च पद पर बैठा है। नाम जानना जरूरी नहीं है क्योंकि हर के जीवन के अपनी अपनी रस है, लेकिन ये कहानी आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। आप भी इसी तरह के कुछ आइडियाज़, कविताएँ, जो भी आप कोट सुनते हैं उनको सिर्फ सुनकर लाइक्स में अपने फेसबुक में एक दूसरे को भेज के खुश मत होइए, व्हाट्सएप में भेज के खुश मत होइए कि कितने लोगों ने लाइक किया, उसको अपने जीवन में उतारिए। एंड आइडिया कैन चेंज द लाइफ, आप जानते हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन में कोई अच्छी बातें, कोई अच्छे मार्गदर्शन, जो भी आपको शब्द आपके जीवन में आते हैं, खुद पर विश्वास रखिए। बाहर ढूंढने से अच्छा है अपने जीवन के अंदर ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें, पूरी सफलता के राज आपके दोनों कान के बीच है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं। जितनी भी फेजर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस हैं, दैट लाइज इन अवर ब्रेन, एंड एवरीबॉडी हैज 100 बिलियन सेल्स इन द ब्रेन। आपके पास टाइम वही है, सबके पास वही टाइम है, सबके पास वही 7 दिन है, सबके पास 365 डेज इन ईयर है। कोई कैसे उसका इस्तेमाल करता है, कोई अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कैसे करता है, कुछ कितना विश्वास के साथ करता है, ईमानदारी के साथ करता है और अपने आप पर वर्क करता है, इस पर निर्भर करता है उसके जीवन में उसको क्या प्राप्त होना है। मुझे उम्मीद है ये कहानी की जो कोशिश मेरी आपके काम आएगी, आप इसको सुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। थैंक यू वेरी मच। Hi, my name is Ranjita Sharma. I have secured rank 130 this year in the Civil Services Exam 2018, and I'm getting into the Indian Police Services with this rank. Here I'd like to mention that I appeared for a mock interview at Chanakya right before my final interview, and the atmosphere provided here at the mock was quite similar to my actual interview. And it helped me remain calm. The feedback provided at the interview was really, really helpful because it not only helped me understand the areas that I needed to work upon, but at the same time, the positive feedback helped me stay motivated in the run-up to the interview because the time is very, very crucial. So I'd like to thank Chanakya IAS for all the help offered. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.